हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, उसके बारे में। यहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि जब भी आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी में कोई भी इमरजेंसी अगर आ जाती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशंस को आपने कैसे टैकल करना चाहिए, आपका जो है उसमें क्या रोल होता है, ये एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। तो वही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो उसका उसको जरूर विजिट कीजिए। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट है hscstudyguide.com। अब इस वेबसाइट का जो है खासियत क्या है या फिर आपको जो है क्यों ये विजिट करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपको HSC के रिलेवेंट जो है नए अपडेट्स जो भी रहते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है जॉब्स की भी जो अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा अगर आप क्विज सर्टिफिकेशंस यानी कि क्विज अगर पास करते हो तो आपको यहाँ पर फ्री में जो है सर्टिफिकेट्स भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस हो या फिर कोई PDF फाइल हो, ठीक है, या फिर जो है आपको कोई भी फॉर्मेट अगर चाहिए तो आप यहाँ पर इजीली जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो, HSC हो या फिर सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको कौन से सवाल इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, उसका क्या आंसर रहेगा, इसकी भी जो है PDF आप यहाँ पर फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो कई सारे जो है फायदे आपको इस वेबसाइट के माध्यम से जो है देखने को मिलेंगे। तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर विजिट कीजिए। अब और भी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल का भी जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जो है आप जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां पर सारी अपडेट्स जो है आपको दी जाती है। तो चलिए फिर वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं कि कोई अगर इमरजेंसी आती है तो उसमें जो है सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या रहने वाला है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से जो है समझने वाले हैं। एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, तो एक सिनेरियो जो है एक इमेजिन करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर जानते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होगा। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर गैस लीक जो है उसको डिटेक्ट किया गया है, वो भी वेल्डिंग एरिया के नजदीक। अब वेल्डिंग एरिया के नजदीक अगर कोई गैस लीक अगर हुई है तो ये जो सिचुएशन है ये काफी हजार्डस सिचुएशंस है क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोजन और फायर होने के जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर चांसेस है, हाई रिस्क कैटेगरी में ये आता है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सिनारियो में जो है सेफ्टी ऑफिसर जो है कैसे इस इमरजेंसी को जो है मैनेज करेंगे, उनकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है उनका क्या रोल रहेगा, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है गैस लीक हुई है और वो भी वेल्डिंग एरिया के नजदीक में। अब ऐसी सिचुएशन में जो है सेफ्टी ऑफिसर का रोल यहाँ पर क्या रहेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है कि डिटेक्शंस एंड इनिशियल रिस्पांस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी अगर कोई गैस लीक अगर डिटेक्ट हुई है, अब मानते हैं कि ये जो गैस लीक जो हुई है उसको वर्कर के द्वारा डिटेक्ट किया गया था और बाद में जो है उसने रिपोर्ट किया इसके बारे में सेफ्टी ऑफिसर को, ठीक है, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को कब पता चला कि गैस लीक हुई है, वो वर्कर के थ्रू जो है उनको पता चला। अब जैसे ही सेफ्टी ऑफिसर को यहां पर पता चलता है कि गैस लीक हुई है तो यहां पर जो है फिर उनकी जो है स्टेप यहां पर चालू होती है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो ये है कि उसको यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से जो है गैस लीक हुई है। तो सबसे पहला क्या काम रहेगा कि आइडेंटिफाई दी सोर्स, जो भी सोर्स है जहां से गैस लीक हुई है उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना। साथ ही साथ ये देखना है कि इसकी वजह से जो है ज्यादा डेंजर ना हो, उसको भी जो है एसेस करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अब सभी जो वर्कर्स हैं उनको जो है अलर्ट करना है, यानी कि उनको बताना है इस गैस लीक के बारे में। अब वो कैसे बताएंगे, तो लाउड स्पीकर के जरिए वो बता सकते हैं या फिर इमरजेंसी अलार्म के जरिए जो है वो बता सकते हैं, यानी कि अभी जो है आपको सभी को जो है काम बंद करना है, यानी कि इमरजेंसी अलार्म जैसे ही बजता है तो सभी को ये पहली सी जो है बताया जाता है कि इमरजेंसी अलार्म जब बजता है तो आपको आपका जो काम है वो रोक देना है और जो सेफ डिस्टेंस रहेगा वहां पर जो है आपको जाना है। तो जहां से गैस लीक हुई है वहां से जो है सेफ डिस्टेंस में जो है आपको जाना है। ये सेकंड पॉइंट जो है
सेफ्टी ऑफिसर का होता है। पहले उसने जो है सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा जो है वर्कर को अलर्ट कर लिया, थर्ड जो स्टेप आती है वो है कि सभी जो इग्निशन सोर्सेस है उसको जो है स्टॉप करना है, उसको रोक देना है। अब इग्निशन सोर्सेस क्या क्या है, जैसे कि वेल्डिंग इक्विपमेंट है उसको रोक देना है, मशीनरी हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, इसको रोक देना है, ताकि जो है पोटेंशियल जो भी इससे स्पार्क होने वाला हो या फिर फ्लेम्स होने वाली हो तो उसको जो है यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या आते हैं, ये तीन काम जो है सेफ्टी ऑफिसर के होते हैं, सोर्स को आइडेंटिफाई करना, सभी वर्कर को अलर्ट करना और जो भी इग्निशन सोर्सेस है उसको रोकना। अब बात आती है सेकंड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप हमने जान लिया सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है, सेकंड स्टेप क्या आती है वो है इवैक्यूएशन एंड कंटेनमेंट। अब जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर को जो है यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है एरिया को जो है इवैक्यूएट करना होता है, तो वो क्या करेगा कि जो भी वर्कर्स है उनको डायरेक्शन देगा, उनको बताएगा कि नियरेस्ट जो है सेफ एग्जिट कहाँ पर है और इंश्योर करेगा कि सभी जो वर्कर्स जो असेंबली पॉइंट में जा रहे हैं वो कामली जाए, यानी कि शांत तरीके से जाए, कोई भी जो है यहाँ पर दौड़ते हुए ना जाए या फिर जो है अफरा तफरी ना मचे। तो इस चीज़ को जो है इंश्योर करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि अगर पॉसिबल हो, अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर पॉसिबल हो तो सेफ्टी ऑफिसर को करना है, क्या काम करना है कि जो भी गैस लीक हुई है तो उसका जो गैस लीक हुई है तो गैस का जो वॉल है उसको शट ऑफ करना है और एरिया को आइसोलेट करना है जहां पर भी जो है ये लीक ऑकर हुआ है। लेकिन ये कब करना है, जब ये करने में सक्षम हो या फिर वो करने में जो है वो अगर सेफ हो तभी वो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है कि वर्कर्स को जो है असिस्ट करना है हेवी मशीनरी ऑपरेटर्स को इवैक्यूएशन के लिए और इंश्योर करना है कि सभी जो इक्विपमेंट है वो टर्न ऑफ है, बंद है, क्योंकि ये जो है साइट इमरजेंसी प्रोसीजर का जो है पार्ट है कि जितने भी इक्विपमेंट है वो सभी के सभी जो है बंद होने चाहिए इनकेस अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है। तो ये सेकंड स्टेप है जो सेफ्टी ऑफिसर को जो है फॉलो करनी है। बात करते हैं थर्ड स्टेप की, अब उनका क्या काम है। अब थर्ड स्टेप है वो है कम्युनिकेटिंग विद इमरजेंसी सर्विसेज। अब जैसे कि सभी वर्कर्स को जो है सेफ डिस्टेंस को पर जो है पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं उस चीज़ को इंश्योर करना है सेफ्टी ऑफिसर को। जब ये इंश्योर कर लेते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना है, लोकल जो इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगी उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है और इसके बारे में बताना है, यानी कि ये जो गैस लीक हुई है इसके बारे में जो है उनको बताना है, रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ उनको जो है कुछ डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि कौन से टाइप की गैस जो है वो लीक हुई है, एग्जांपल के थ्रू अगर H2S गैस लीक हो गई हुई है तो उसके बारे में बताना है, लोकेशन बताना है कहाँ पर हुई है, साथ ही साथ कोई पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेस उस एरिया में है क्या उसके बारे में भी जो है इत्तला करनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है लोकल जो इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगी उनके साथ जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी है, ये सेफ्टी ऑफिसर का काम है। फिर उसके बाद का जो काम है वो है कि कम्युनिकेशन लाइन ओपन, यानी कि कम्युनिकेशंस की जो लाइन है उसको ओपन रखना है, जैसे कि फायर सर्विसेज के साथ जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, पैरामेडिक्स के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना है, उनको जो भी इंफॉर्मेशंस उनको चाहिए तो वो सारी प्रोवाइड करनी है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि साइट मैनेजमेंट को इत्तला करना है, इन्फॉर्म करना है और उनको बताना है इस इंसिडेंट के बारे में, यानी कि यहाँ पर इस लोकेशन में जो है गैस लीक हुई है और उनको अपडेट करना है इवैक्यूएशन स्टेटस। जैसे कि अभी सेकंड स्टेप में हमने जाना था कि इवैक्यूएशन जो है प्रोसीजर हो गई है, सभी के सभी जो है असेंबली पॉइंट में आ गए हैं, तो इसके बारे में जो है साइट मैनेजमेंट को जो है इत्तला करनी है कि इवैक्यूएशन स्टेटस क्या है और कोई अगर इमीडिएट अगर वहां पर रिस्क है तो उसके बारे में भी जो है इत्तला करनी है। तो ये थर्ड स्टेप हो जाती है। फिर उसके बाद की फोर्थ स्टेप आती है यानी कि सेफ्टी ऑफिसर का अभी क्या रोल है, अभी है कि उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो रहेंगे उनको असिस्ट करना है और हेड काउंट करनी है। जैसे अब हमने क्या जाना है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो अराइव हो चुकी है, जैसे ही इमरजेंसी सर्विसेज अराइव हो जाती है तो सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम है कि जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेंगे उनको गाइड करना है, यानी कि उनको जो है गैस लीक कहाँ पर हुई है लोकेशंस के बारे में बताना है, उनको जो है क्या एक्शंस सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा ली गई है उसके बारे में भी जो है उनको बताना है, जैसे कि कोई अगर गैस के वॉल जो है वो टर्न ऑफ किए हैं कि तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना है, एरिया को आइसोलेट किया है क्या तो उसके बारे में भी जो है उनको बताना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर उसके बाद है कि सभी जो वर्कर्स है उनको
अकाउंटेड करना है, ये चीज को इंश्योर करना है, यानी कि सभी के सभी जो वर्कर्स है वो असेंबली पॉइंट में पहुंचे हैं कि नहीं है, उनको जो है यहाँ पर गिनना है, उनका काउंटिंग करना है, उनका हेड काउंट करना है और कंफर्म करना है कि सभी की जो सेफ्टी है यहाँ पर वो सभी की सेफ्टी को जो है यहाँ पर कंफर्म करना है, यानी कि सभी जो वर्कर्स है वो यहाँ पर जो है सेफ है क्या, इस चीज को उनको इंश्योर करना है। और फिर उसके बाद देखना है कि जब कोई असेंबली पॉइंट में पहुंचे है, कोई वर्कर्स जो है वो पहुंचा है, तो किसी को इंजुरी या फिर जो है गैस लीक होने के कारण, किसी को जो है एक्सपोजर के कारण कोई सिम्टम्स तो नहीं है, इस चीज को भी जो है देखने का काम सेफ्टी ऑफिसर का होता है। और साथ ही साथ इनकेस अगर किसी को अगर फर्स्ट एड की जरूरत है तो वो भी प्रोवाइड करनी है अगर जरूरत हो तो, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर 4 स्टेप हो जाती है सेफ्टी ऑफिसर की, जो यहाँ पर काम होता है जब इमरजेंसी सर्विसेज अराइव होती है तब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। अब ये जो है ये स्टेप क्या कहती है, अब स्टेप कहती है कि ये सारा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो है पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू भी करना है, यानी कि इमरजेंसी जो है वो रिजॉल्व हो गई और साइट जो है वो डिक्लेयर कर दी है कि अभी जो है सेफ है, यानी कि जो भी इमरजेंसी हुई थी उसको जो है रिजॉल्व कर दिया गया है, यानी कि जो भी गैस लीक हुई थी उसको रिजॉल्व किया गया है, अभी कोई भी गैस लीक नहीं है और सबको बता दिया है कि अभी जो है आप साइट पर काम करने के लिए जा सकते हो, अभी जो है साइट सेफ है। तो सेफ्टी ऑफिसर को जो है इसके बाद जो है इंसिडेंट का जो है रिव्यू करना होता है, यानी कि वो क्या करेंगे, वर्कर से जो है यहाँ पर फीडबैक जो है गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, यानी कि ये जो इवैक्यूएशन जो प्रोसेस हुई थी उसके बारे में वर्कर लोगों का क्या फीडबैक है वो उनसे पूछेंगे और नोट डाउन करेंगे कि किसी को जो है यहाँ पर कंफ्यूजन था क्या, यानी कि किसी को जो है असेंबली पॉइंट के बारे में पता नहीं था क्या, या फिर जो है कोई जब वो असेंबली पॉइंट में पहुंचना चाहते थे इमरजेंसी एग्जिट का जो है जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो कोई बीच में ऑब्स्टेकल तो नहीं था, तो ये सारी चीजें जो है उनको यहाँ पर पूछी जाती है, उनका जो है फीडबैक लेना है और ये काम जो है सेफ्टी ऑफिसर का होता है। फिर उसके बाद जो है इमरजेंसी प्लान में भी जो है अपडेट करना होगा, ये भी काम जो है सेफ्टी ऑफिसर का होता है। अब देखिए ये जो गैस लीक हुई थी तो यहां से जो है कुछ ना कुछ लेसन जो है सीखने को मिला है, यानी कि कहां पर गलती हुई है, तो जो यहां पर लेसन लर्न किया गया है उसको जो है यहाँ पर इमरजेंसी प्लान में जो है अपडेट करना होगा। जैसे कि इवैक्यूएशन रूट को जो है एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या, क्योंकि इमरजेंसी प्लान में कैसे इवैक्यूएशन रूट भी होता है कि कहाँ से जो है इवैक्यूएट होना है, तो उसमें जो है कोई चेंजेस करने हैं क्या, एडजस्टमेंट करना है क्या, अगर करना है तो फिर आपको इमरजेंसी प्लान में अपडेट करना होगा। फिर उसके बाद है कि गैस डिटेक्शन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है क्या, अगर जरूरत है तो इमरजेंसी प्लान को अपडेट करना होगा, या फिर कम्युनिकेशन जो प्रोसीजर्स है उसको इनहांस करना है क्या और भी बढ़ाना है क्या, अगर करना है तो आपको इमरजेंसी प्लान को अपडेट करना होगा। और फिर उसके बाद है कि ड्रिल के बारे में जो है फॉलोअप लेना होगा, उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, यानी कि ड्रिल इसलिए लेना करना है ताकि सभी जो वर्कर्स है वो ये समझ सके कि अभी जो नई सेफ्टी जो प्रोसीजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो नई जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है वो क्या है, ये जो इंसिडेंट है ये होने के बाद में, यानी कि इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर हमने इमरजेंसी प्लान को भी अपडेट कर लिया और नई जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है उसको अभी इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पर ड्रिल भी जो है वो कंडक्ट करनी है, फॉलोअप लेना है, उसका ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको यहां पर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी अगर साइट पर अगर हो जाती है तो उस वक्त जो है सेफ्टी ऑफिसर का जो है क्या रोल होता है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।